ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਤੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ सबको गुड मॉर्निंग जी। ये है नेक्स्ट डे। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है जी। मैंने बनाई है चाय, इसके साथ हैं जी थोड़े से बिस्किट, चावल बने हुए थे थोड़े से तो वही गर्म कर लिए हैं, पानी रखा है। बस बच्चों को उठाते हैं, कमरे में चलते हैं, वो अभी सो रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए क्योंकि मुझे 7:30 वाली बस जो है ना वो पकड़नी है। तो चलिए जी चलते हैं कमरे में, बच्चों को उठाते हैं और बाकी का व्लॉग इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो नेक्स्ट शेयर करते हैं। सुबह हो गई मामू, उठ जाओ नाश्ता करो नहीं तो मैंने इधर ही छोड़ जाना है। चलो शाबाश, उठ जाओ नाश्ता कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप क्या बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ और आज काफ़ी दिन के बाद व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। वैसे तो मैंने एक व्लॉग जो है ना वो अपलोड कर लिया है लेकिन मेरी रूटीन थोड़ी सी जो थी ना व्लॉग अपलोड करने की वो डिस्टर्ब हुई है। क्यों डिस्टर्ब हुई है, मैं कहाँ गई थी, कब गई थी, कितने दिन रह के आई हूँ, ये सब कुछ जो है ना वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह इस व्लॉग में। लेकिन उससे पहले भाई आप लोगों से मुझे एक थोड़ी सी शिकायत है, वो ये है, शिकायत कह लें गिला कह लें कि आप मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे और मैंने जितना आपसे रिक्वेस्ट की थी उतना ही जो है ना वो आप लोगों ने इस बात को इग्नोर किया है। तो काइंडली आप मेरे चैनल को करें जी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। अच्छा जी खैर आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो जी ये मैं आपके साथ अपना ट्रैवलिंग व्लॉग जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, जैसे कि सभी जानते हैं, सबको ही पता है कि समर वेकेशंस चल रही हैं और अब तो ख़त्म भी होने वाली हैं। तो इसी सिलसिले में बच्चे जो थे ना वो मुझे काफ़ी फोर्स कर रहे थे कि हम छुट्टियों में कहीं नहीं गए। इसकी तो ऐसी कोई रीज़न नहीं थी ख़ास कि हम क्यों नहीं गए, बस जो बिल्कुल ख़ास रीज़न थी ना, वजह जो थी कहीं ना आने जाने की, वो ये थी कि मौसम शदीद किस्म का गर्म है जी, बहुत ज़्यादा। और गर्मी में किसी का मेहमान बनना जो है ना वो बड़ा ही एक कह लें कि बहुत दिल जिगर और गुर्दे का काम होता है आजकल। ना शदीद सर्दी में कहीं आया जाया जा सकता है और ना ही शदीद गर्मी में। लेकिन खैर जी, छोटे दोनों बच्चों को लेके साथ में अपने, तो मैं जा रही हूँ जी अपनी सिस्टर के पास जो मुझसे छोटी हैं, यानी उमामा के पास हम लोग जा रहे हैं। तो हमारा सफ़र जो था ना सुबह 7:30 बजे स्टार्ट हुआ था, हम लोग 7:30 वाली बस पे गए थे। कोशिश थी कि हम ना जल्दी जल्दी अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो पहुंच जाएं धूप निकलने से पहले पहले। वैसे भी 2 घंटे का सफ़र था, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है मेरी सिस्टर, तो बस हमने सुबह 7:30 बजे वाली बस जो थी ना वो पकड़ी। हस्बैंड मेरे छोड़ के आए, हमें सामान वगैरह रखा और फिर हम अपनी मंजिल की जानब जो है ना वो रवा दवा है। और तकरीबन 1.5-2 घंटे में हम जो थे ना वो अपने मंजिल पर पहुँच चुके हैं। यहाँ बस स्टॉप पर हम जी आ गए हैं। मैं थी, छोटी बेटी थी और छोटा बेटा था, बड़े दोनों जो थे ना वो नहीं आए क्योंकि उनकी एकेडमी चल रही है तो वो उन्होंने एकेडमी जाना था। तो बस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जी। ये सामान निकाल दे। सामान उन्होंने रखा है। मैं बताती हूँ। नहीं इधर है, इधर है, इधर है। नहीं वो है, वो एक काम वाली पेटी है और एक रेड बैग है। नहीं हाँ ये वाला दोनों। बस जी खैर खैरियत से मैं और बच्चे पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। तो बस मैंने सामान निकलवाया, कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे ना वो हमें लेने के लिए ऑलरेडी पहले से मौजूद थे। बच्चों को प्यास लग रही थी तो एक जगह पे बैठ के जूस कॉर्नर पे हमने पिया जी मैंगो शेक, थोड़ा सा ख़ुद को फ्रेश किया। वैसे तो गाड़ी बहुत अच्छी ज़बरदस्त थी, कुछ फील नहीं हुआ, ऐसे लगा कि जैसे घर के कमरे से उठ के तो बस सफ़र हो गया हमारा मुकम्मल।
और ख़ैर फिर हम पहुंच चुके हैं जी घर, और उमामा हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश थी और बच्चे उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी खाला से मिलने को और उमामा से मिलने को। मेरी बहन जो है ना वो उसकी शादी एक गांव में हुई है और आपको प्योर टोटली जो है ना वो विलेज वाला माहौल यहाँ पे मिलेगा। और वैसे भी ये मेरा जो है ना वो अबाई गांव है, यानी मेरे दादा अबू यहीं के हैं, हमारी ज़मीनें यहीं पे हैं और मेरी सिस्टर की शादी भी इसी गांव में ही हुई है। तो अपने अबाई गांव यूँ समझ लें कि मैं अपने बच्चों को लेके गई थी दिखाने के लिए सब कुछ, और यहाँ पे जी सारा मिलना मिलाना हो रहा है। और छोटा बेटा जो था ना वो अपनी खाला से मिल रहा था और उमामा को जेलसी फील हो रही थी कि मेरी मामा को क्यों मिल रहे हो। तो खैर जी मिलने मिलाने के बाद यहाँ मेरी सिस्टर जो थी ना वो बैठी थी दरख्त की छाँव के नीचे, हमारे लिए बन रहा है जी यहाँ पे दोपहर का खाना। हम तो तकरीबन जो थे ना वो 7:30 बजे यहाँ से निकले थे और तकरीबन 10:30 बजे के करीब हम लोग पहुँच गए थे घर, और जबकि ये खाना हम खा रहे हैं दोपहर के 2:30 बजे के करीब, क्योंकि हम नाश्ता करके गए थे और कुछ ख़ास भूख जो थी ना वो बिल्कुल नहीं थी और जल्दी ही हम पहुंच गए थे। तो खैर जी यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बनाया था बीफ कोरमा, साथ में बच्चों की फरमाइश पे बने थे चावल, इस तरह साथ में रायता वगैरह था, कोक वगैरह थी, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे मेहमान नवाजी की जाती है, और बहुत ही मज़ा आया। सब ने काफ़ी अरसे के बाद मिल बैठ के जो था ना वो इस तरह खाना खाया। सबको गुड मॉर्निंग जी, ये है नेक्स्ट डे, आज हमारा पहला दिन है मेरी सिस्टर के घर। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा दरख्त है इनके सेन में, मैं दूर से दिखाती हूँ आपको। गांव में ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे दरख्त हैं बहुत सारे घरों में। ये है जी गांव का किचन प्योर, यहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये बर्तनों वाला स्टैंड है जी, इस पे बर्तन धो के रखे हुए हैं लश्का के, और यहाँ पे बन रहा है जी देसी मक्खन और लस्सी स्पेशल हमारे लिए। जल्दी जल्दी निकाल के ना दो ना ज़रा। यहाँ पे है जी लकड़ियों वाला चूल्हा। आज मेरी सिस्टर के घर मेरा पहला दिन था जी, और हम लोग 3 दिन वहाँ पे रुके हैं। अच्छा मेरा व्लॉग जो था ना वो क्यों ना आ सका, उसकी सबसे जो मेन वजह थी वो ये थी कि यहाँ पे बिल्कुल भी नेट जो था ना वो नहीं आ रहा था, मतलब के इस काबल नहीं था कि कोई भी वीडियो जो थी ना वो अपलोड की जा सकती। तो बस फिर मैंने वहाँ एक ही व्लॉग बनाया जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और कोई भी व्लॉग ना बना सकी, अपनी कोई रूटीन भी जो थी ना वो आपसे शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि व्लॉग्स जो थे ना वो अपलोड ही नहीं हो रहे थे, तो इसलिए भी मेरे व्लॉग्स जो थे ना वो आप तक नहीं पहुँच पाए। तो बस जी फिर हमने किया नाश्ता वगैरह, और यहाँ पे है शाम का टाइम, मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था यहाँ पे, शाम के वक्त बादल छा गए थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी ना बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं, बारिश जो थी ना वो नेक्स्ट डे हुई। और यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं जी लकड़ियाँ, मेरी सिस्टर कहती कि चलो आओ आपको जानवरों की हवेली में भी ले कर चलते हैं, वहाँ लकड़ियाँ भी ले कर आते हैं। तो बस जी यहीं तक है मेरा आज का ये व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।